मेरठ का एक चर्चित नाम प्रशांत बिश्नोई। जी हां, एक बदनाम नेशनल शूटर प्रशांत बिश्नोई की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेरठ के रोहड़ा थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उनकी गाड़ी 150 किलोमीटर की तेज रफ्तार से चल रही थी। मेरठ का ये वो नाम था जिसने एक नेशनल शूटर के रूप में पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन वही नेशनल शूटर आखिरकार क्या कर रहा है, ये काला सच दुनिया के सामने तब आया था साल 2017 में। साल 2017 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने उनके मेरठ स्थित घर पर छापेमारी की थी और उसके बाद जो काला सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया था। जी हां, मेरठ का चर्चित नाम प्रशांत बिश्नोई। उस वक्त उनके घर से एक काले कारोबार का खुलासा हुआ था और पता चला था कि वो कैसे अपने शूटिंग लाइसेंस के पीछे हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। आपको बता दें, उस वक्त उनके घर से 1 करोड़ की नकदी, 25 करोड़ के विदेशी हथियार, 2 लाख कारतूस जिनकी कीमत 5 करोड़ थी, तेंदुए की खाल, 1 दर्जन से ज्यादा काले हिरण और सांभर की खोपड़ियां, सींग, शूटिंग की 40 राइफल्स और पिस्टल। इसके अलावा प्रतिबंधित वन्य जीवों का करीब 117 किलो मांस भी बरामद किया गया था। मेरठ में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल का शिकारी बेटा प्रशांत बिश्नोई मेरठ से बड़े पैमाने पर विदेशी ब्रांडेड वेपन का काला कारोबार चलाया करता था। बताया जाता है कि उस वक्त 2017 में जो जांच हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि प्रशांत बिश्नोई उस वक्त 100 करोड़ रुपए का ब्रांडेड वेपन पूरे भारत में सप्लाई कर चुका था। उस वक्त DRI इस बात की भी जांच कर रही थी कि इसको अकेले प्रशांत अपने और जानकारों के लाइसेंस पर विदेश से आयात करके लाया था या फिर कुछ दूसरे शूटर भी इस काले कारोबार में उसका साथ दे रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर सभी को इस काले कारोबार ने चौंका दिया था, क्योंकि उस वक्त की बरामदगी में एक ऐसी पिस्टल भी प्रशांत बिश्नोई के घर से बरामद हुई थी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। और बताया जाता है कि उस वक्त ये पिस्टल भारत में गिनती के ही लाइसेंस होल्डर्स के पास थी। उस वक्त DRI का ये भी मानना था कि प्रशांत और उसके साथी अब तक 500 से ज्यादा विदेशी हथियार बाहर से लाकर भारत में सप्लाई कर चुके थे और उनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। प्रशांत बिश्नोई वो शख्स था जो महंगी गाड़ियों का शौकीन था, साथ ही महंगी पार्टियां और बड़े रसूखदारों से उनका संबंध था। यही वजह थी कि वो कई बार मशहूर VIP और सेलिब्रिटीज के साथ नजर आते थे। आपको बता दें कि प्रशांत बिश्नोई को 4 साल पहले खुफिया राजस्व निदेशालय ने विदेशी हथियारों की तस्करी और वन्य जीवों के अवशेष बरामदगी में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था, जिसके बाद जमानत मिलने के बाद प्रशांत ने शराब व्यापारियों के साथ अपना शराब का कारोबार शुरू कर लिया था। लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार में हुए हादसे में प्रशांत बिश्नोई की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।